हेलो एवरीवन वेलकम टू नीतूज़ फूड ब्लॉग आज के इस वीडियो में हम क्रिस्पी सा बेबी कॉर्न चिली बनाएंगे जो खाने में बेहद ही क्रिस्पी होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तो इसे अब हम बेबी कॉर्न को साइड से कट कर लेंगे कट करने के बाद आप इसे देख सकते हैं टेल को और हेड को कट करेंगे और इसे हम डायमंड शेप में कट करेंगे शेप आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं बेबी कॉर्न ईज़ली आपको किसी भी सब्ज़ी वाले के यहाँ पे जहाँ पे मशरूम बिकता है वहाँ आपको ईजिली ये अवेलेबल होगा मिल जाएगा तो इसे हम इसी तरह से कट करके और हम बाक़ियों को भी इसी तरह से कट कर लेंगे तो सारे हमने अच्छे से शेप में कट कर लिया है तो अब हम इसे अच्छा सा बॉयल देंगे तो पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है बॉयल हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है तो बॉईल करने का टाइम ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ज़्यादा बॉयल नहीं करना है हार्डली एक से दो मिनट इसे बॉईल करना है तो ये ऑलमोस्ट जो है बॉईल हो चुका है एक बार चेक कर लेते हैं तो ये अब बॉइल हो चुका है अब हम फ्लेम को जो है वो ऑफ कर देंगे और इसे स्ट्रेन कर देंगे इसे हमने स्ट्रेन कर लिया है और इसे एक बोल में निकाल देंगे अब इसमें हम हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे उसके बाद अब हम इसमें लगभग एक स्पून के राउंड अदरक लहसुन क्रस्ट करके ऐड करेंगे आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और इसके टेस्ट को और इन्हैंस करने के लिए एक चम्मच इसमें हम रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और यहाँ हम तकरीबन तीन चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करने से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है तो इसे हम इसी तरह से ऐड कर देंगे अभी एक बार हम मिला के देखते हैं अभी तो फिलहाल मैंने दो ही चम्मच ऐड किया है अगर कम लगा तो फिर एक चम्मच हम एक्स्ट्रा और इसमें ऐड कर देंगे आप चाहे तो इसे एक पतला सा बैटर बना के मैदे और कॉर्नफ्लोर का उसमें इसको डिप करके भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं तो मुझे कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें एक चम्मच और ऐड कर दिया है तेल गर्म हो चुका था तो अब हम इसमें सारे को डाल देंगे फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम रखें क्योंकि तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म था हाई फ्लेम पे सारा जल जाएगा इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम डीप फ्राई करेंगे डीप फ्राई करने से वो थोड़ा क्रिस्पी लगेगा खाने में और इसे एक इसी तरह से स्ट्रेनर में डाल लेंगे जिससे कि उसके सारे तेल जो है वो से निकल जाए सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म हो चुका है तो उसमें चार चम्मच ऑयल ऐड करेंगे ऑयल आप कोई भी अपनी पसंद का ले सकते हैं और क्रस्ट अदरक लहसन चॉप्ड फाइनली चॉप्ड किया हुआ ऐड कर देंगे इसमें इससे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे तो यहाँ मैंने एक शिमला मिर्च लिया है और दो मीडियम साइज प्याज लिया है इसे आप बिल्कुल इसी तरह से कट करें जनरली पनीर चिली हो बेबी कॉर्न चिली हो या फिर कोई सा भी ऐसा चाइनीज़ वाला डिश हो उसमें इसी तरह से ही जाता है और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे नमक हमने पहले भी ऐड किया था सो नमक काफ़ी केयरफुली ऐड करें और इन सबको हम लाइट गोल्डन होने देंगे यहाँ पे तीन हरी मिर्च को आप अपने पसंद के शेप में कट करके ऐड कर सकते हैं पनीर चिली है या फिर बेबी कॉर्न चिली हो उसमें चिली ज़्यादा जाता ही है अगर आपको पसंद ना हो तो आप उसे कम भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक चम्मच वाइट विनेगर ऐड करेंगे अगर आपके पास विनेगर ना हो तो फिर आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं एक चम्मच रेड चिली सॉस ऐड करेंगे इन सबको एक बार हम पहले मिला लें इस दौरान आप फ्लेम बिल्कुल लो रखें और हाफ चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे इससे इसका कलर अच्छा आता है इसे भी एक बार हम मिला लेंगे और अब हम यहाँ पे हाफ चम्मच के राउंड ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस खाने में थोड़ा सा खट्टा भी होता है और तीखा भी होता है तो इसे बैलेंस करने के लिए हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे तो हाफ़ चम्मच टोमेटो केचप ऐड करेंगे जिससे कि तीखेपन का जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाए तो खाने में ज़्यादा तीखा ना लगे और यहाँ पे हाफ़ चम्मच कॉर्नफ्लोर को इस तरह से पानी में घोल के हम इसमें ऐड कर देंगे ज़्यादा कॉर्न कॉर्नफ्लोर आप ना दें अगर आप ड्राई वाला बना रहे हो तो ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है पानी बहुत कम दे इसमें इतना ही पानी दें जिससे कि सारे प्याज और जो भी सॉसेस हमने यूज़ किए हैं वो इसमें अच्छे से मिल जाए तो जब तक ये यहाँ पे फ्राई हो रहा है सब कुछ फ्लेम आप बिल्कुल लो कर दें और हम एक बार फिर से उसे फ्राई कर लेंगे ऐसा करने से क्या होगा ना ये जो बेबी कॉर्न है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा बहुत लोग की शिकायतें होती हैं कि बेबी कॉर्न चिले क्रिस्पी नहीं बनता है तो अगर आप इस तरह से आप इसे बनाए ये क्रिस्पी डेफिनेटली बनेगा तो एक बार ये अच्छे से फ्राई दोबारा हो चुका है और इसे अब हम हमने जो उधर इसका पेस्ट या फिर मसाला जो भी कह लें हमने बना के रखा है उसमें हम इसको डाल देंगे इसे हमें ज़्यादा इस्टेयर नहीं करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हम इस तरह से मिलाएंगे जिससे कि सारे सॉसेस जो हैं बेबी कॉर्नचिली में वो अच्छे से उस पर लग जाए तो ये अच्छे से हो चुका हम इसकी प्लेटिंग करते हैं ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो आप वही इस पर डालें मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया आप भी इसे इंजॉय कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैव अ नाइस डे